भाई, ये जो बाबर मार्केट है ना, इसको घूमने के लिए आपको एक पूरा दिन भी शायद कम पड़ जाए। इतनी बड़ी मार्केट है ये, एक अलग वाइब है पूरे इलाके की, और बहुत ही मिलनसार, बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही प्यारे लोग इस जगह पे रहते हैं। खाने की वीडियो बनाता जी जी आंटी, खाने की वीडियो बनाता हूँ। अच्छा अच्छा, कितने साल पुराने? 45 साल से यही बाबर मार्केट में आप? अरे वाह, पतीला आ गया, मसाला अलग, गोश्त अलग, चावल अलग है यार, बहुत ही आला खुशबू आ रही है, नो डाउट। कितनी लेके जाएंगे एक साथ? कितनी आ जाएंगे? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक, और आज कराची का मौसम इंतहाई सुहाना है। बूंदाबांदी हो रही है, कहीं बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं, और ऐसे मौसम के अंदर हम जा रहे हैं लांडी। लांडी मुझे बहुत सारे लोगों ने इनवाइट किया, मेरे एक दोस्त भी रहते हैं वहाँ पे, आज उनसे मुलाकात है। काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रीट फूड है वहाँ पे, बिरयानी है, हलीम है, बाबर मार्केट वहाँ पे बहुत बड़ी है, तो आज काफ़ी कुछ हमें एक्सप्लोर करना है और आपके साथ शेयर करना है, तो फिर चलें। बहुत सालों बाद मुलाकात हो रही है भाई हमारी, और ये हमारे दोस्त हैं रियाज भाई, उनके बारे में भी आपको भी हम बताएंगे, लेकिन अभी हमें एक्सप्लोर करना कुछ लानी है। इंशाल्लाह चलते हैं। हम मस्जिद शाही के सामने आए हैं अभी भाई, हम पहुंच गए हैं लांडी, और रियाज भाई हमको सबसे पहले कहाँ लाए हैं? शानदार हलीम पे। ये जो है ना, बहुत ही ज़बरदस्त हलीम है, देखते हैं यहाँ क्या सीन है। दानिश प्याला हलीम, कैसे भाई आप, ठीक है? अरे दानिश प्याला हलीम बना हुआ है, शानदार प्याला हलीम के बराबर में। कौन सा पता था पुराना है? हमारा शानदार वाला पुराना है। सलाम अलैकुम, कैसे हैं भाई, ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम। ये शानदार हलीम की एक बहुत बड़ी सी देग यहाँ पे लगी हुई है, ये चेक करें आप। क्या हाल है भाई, ठीक, मज़े में? इतनी बड़ी एक थैली के अंदर तली हुई प्याज यहाँ पे रखी हुई है, और ये हलीम पार्सल होते जा रहे हैं यहाँ पे। एक और सिंगल मेन बाबर मार्केट में भाई ये शानदार हलीम, बहुत ही बड़ा पतीला लगा हुआ है यहाँ पे, पहले पे से शुरू कर माशाल्लाह यहाँ तक पहुँचे। कितने का बड़ा प्याला? 60। और छोटा प्याला? 50। कैसा है भाई हलीम इनका? VIP माशाल्लाह, हर संडे आते हैं हम। हर संडे आते हैं? बिल्कुल। और 50 रुपए का है छोटा प्याला? रीजनेबल प्राइस और अच्छा टेस्ट, चेक करें आप भी जिया भाई। मैं भी चेक करता हूँ। ये कितने बजे हलीम शुरू करते हैं? सुबह 8 बजे रेडियो, 7 बजे चालू करते हैं। 7 बजे 8 बजे, और रात में कब तक? 12 बजे तक। रात 12 बजे तक डेली 7 दिन। सलाम अलैकुम भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम उकाशा है, उकाशा नाम है मेरा। उकाशा जी जी। उकाशा भाई, क्या हाल है आपके? आपका शानदार हलीम ये? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे माशाल्लाह, ये कितना टाइम हो गया इसमें शुरू हुए? शॉप को तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे शिफ्ट करी है, 4 साल हो गए यहाँ पे, लेकिन हमारा काम तो 12 साल पुराना है। वालिद साहब ने शुरू किया था? वालिद साहब ने शुरू किया। रेट तो बड़े नॉमिनल आपने रखे हुए? बस ये समझ लें हमारा होलसेल वाला काम है, ताकि जो नॉर्मल मिडिल क्लास है वो भी अफोर्ड कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हलीम है, हम रोज खुद खाते हैं। सही बात है, इतना बेहतरीन है। सिर्फ हलीम होता है और उसके अलावा? सिर्फ हलीम का काम है हमारा, और पूरे कराची में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और हैदराबाद में भी शुरू करा है अभी। अच्छा, नहीं भाई कराची में और कहाँ कहाँ पे? कराची में कोरंगी 3.5 नंबर पे, क्रॉसिंग पे, उसके अलावा हुसैनाबाद में है। हुसैनाबाद में भी है? अच्छा। उसके अलावा हमारा गार्डन में, मतलब पूरे कराची में बहुत सारी शॉप्स हैं माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह यार, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया ये काम तो। कैसा है भाई हलीम, कैसा है? बेहतरीन है, मज़ेदार है। चलो गुड यार, बहुत ही खूबसूरत मंजर है यहाँ पे, क्योंकि अभी मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, और हलीम की खुशबू भी बहुत आला आ रही है। इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं जायका कैसा है। आ जाए भाई, आ जाए। क्या नाम है आपका? सैफ। सैफ यार, बड़ा ज़बरदस्त प्याले लगा, बड़ा वाला है ना, 60 वाला। चलो भाई, ये आ गए हमारे ज़बरदस्त से हलीम, और ये तली हुई प्याज, चाट मसाला और लीमू। भाई वाह, नींबू के बगैर तो भाई माहौल नहीं बनता ना। और ये मसाला, ये खाली चाट मसाला नहीं है, क्योंकि देखिए आप मसाले के अंदर जो है ना, वो काफ़ी सारे मुझे डिफरेंट तरह के
शेप्स नज़र आ रही हैं। तो पहले इधर ऐसे ही जो है ना वो हलीम को टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। हलीम मज़ेदार है भाई, नो डाउट। रोहिल भाई बेहतरीन हलीम है भाई, इससे अच्छा मुझे कहीं का भी हलीम पसंद ही नहीं है। मैं कई सालों से यहाँ से हलीम खाते हुए आ रहा हूँ, ये और बहुत मज़े का हलीम है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो गोश्त के रेशे हैं ना वो भी आपको महसूस हो रहे हैं, और मुख्तलिफ जो दालें इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डलती हैं, अनाज डलता है, वो भी जायका महसूस हो रहा है। और नींबू तली हुई प्याज चाट मसाले के साथ हलीम है मज़ेदार। थोड़ा सा नान के साथ भी इसको टेस्ट करते हैं भाई। भाई जो कराची की नामी गिरामी हलीम है उनकी प्राइसेस हैं थोड़ी सी ज़्यादा, 120 रुपये, 160, 180 रुपये। ये हलीम का प्याला आपको मिल रहा है 60 रुपये में, तो प्राइस के हिसाब से नो डाउट ये हलीम जो है ना वो बहुत अच्छा है। और जाहिर सी बात है उनकी प्राइसेस ज़्यादा हैं, उनका टेक्सचर वगैरह थोड़ा डिफरेंट है, इसका टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ज़ायका नो डाउट बहुत मज़ेदार है। और 60 रुपये में आपको पूरा हलीम का प्याला खाने को मिल जाए, चाट मसाले, नींबू, तली प्याज, पूरे लवाजमात के साथ, तो भाई फिर और क्या चाहिए। वेरी नाइस। भाई हलीम खा के हम आ गए हैं बाबर मार्केट में, और बाबर मार्केट बहुत ही बड़ी मार्केट है, यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके। सलाम अलैकुम। खाने की वीडियो बनाता हूँ। जी आंटी, खाने की वीडियो बनाता हूँ मैं। कैसे हैं? खैरियत से, ठीक ठाक है, बहुत शुक्रिया। हम आपकी देखते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और आप खाने दिखाते हैं अच्छे कोरमे वगैरह, जाके लालू गेट पर नहीं, कहाँ का। हमने कहा आज जरा लांडी का भी दौरा कर ले। और अच्छा वहाँ पे क्या मशहूर चीज़ है खाने की? वहाँ पे ऐसा खाने पीने का तो कुछ भी, बस राडो बेकरी के समोसे और रोल है। राडो बेकरी के समोसे रोल, चले वही खा लेंगे इंशाल्लाह कभी ना कभी आके। हमें बता के आना आप। चले बहुत शुक्रिया, चले दुआ में याद रखिएगा जी। तो मैं कह रहा था हम आ गए हैं बाबर मार्केट में, और यहाँ पे हर तरह की वैरायटी मिलती है। ये जो हमारे रियाज भाई हैं ना, इनके बारे में मैं आपको बताऊँ, इनसे मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, बहुत अच्छे मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट हैं, रियल टाइम ग्राफिक्स आर्टिस्ट हैं, इसके अलावा कैलीग्राफी करते हैं बहुत ज़बरदस्त उर्दू की, जो खते मरियम इनके नाम से इनका चैनल, किस नाम से? खते मरियम से। खते मरियम के नाम से इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, उसको आपके देखिए। और इसके अलावा अगर आपने अपनी कोई खत्ताती करवानी है, कोई अपनी कैलीग्राफी घर पे पेंटिंग लगवानी है, कोई भी किसी भी तरह का आपको काम है, तो आप रोहिल भाई के से रब्ता कर सकते हैं, इनका ईमेल एड्रेस मैं दे दूंगा, और इनके चैनल को भी जाके देखें, बहुत आर्टिस्ट आदमी है ये। है रोहिल भाई, पेंटिंग्स अगर बनवानी हो आपने, इस्लामिक कैलीग्राफी आर्ट की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, तो वो भी मैं बनाता हूँ ऑर्डर पर। बिल्कुल आपको नज़र आ रही होंगी स्क्रीन पर, मैंने दिखाई है, तो आप देखिए और रियाज भाई को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सर। क्या हाल है भाई, क्या हिसाब चल रहे हैं? हम 150 रुपये। कैमरा देख के तो 150 नहीं हो गया कहीं, पहले 250 चल रहा हो। नहीं आप ले लो। ये देखिए भाई, शरीफे मिल रहे हैं यहाँ पे। ओहो, इधर कचोरियाँ मिल रही हैं। क्या हाल है भाई जान, ठीक है? कचोरी, समोसे, पकौड़े, और बारिश का ये माहौल हो और कचोरी, समोसे, पकौड़े ना हो। हाँ, मज़ा दुबाला हो। कितने की कचोरी है? 15 रुपए की कचोरी और पकौड़े 120 रुपए पाव। तो वहाँ पीछे बैठ के ट्राई करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, दो चार कचोरी, दो चार पकौड़े हो जाए हमारे लिए। हवा भी बहुत आला चल रही है भाई, हवा भी है, बादल भी है। गरम गरम बेसन और प्याज के पकौड़े हैं भाई। जी भैया। कितने साल पुराने? 45 साल। 45 साल से यही बाबर मार्केट में आप? जी भैया। अरे वाह, आपने शुरू किए थे ये? वारिस साहब बड़े भाई होते हैं, मैं होता हूँ। तो किस नाम से हैं ये पकौड़े? कलंदरी पकौड़े। नाम भी आपने आला रखा है। ये तरकारी है कचोरी के साथ खाने के लिए, और ये चटनी है पकौड़ों की। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रिजवान अंसारी के हाथ के बने हुए गर्मा गर्म पकौड़े, और ये कचोरी अभी हमारे सामने बस लेकर आ रहे हैं। कौन? मोहम्मद खान। वाह जी वाह, माय नेम इज़ खान। ज़बरदस्त से गर्मा गर्म पकौड़े आए हैं हमारे, और चाट का मसाला भी इसके ऊपर इन्होंने डाला हुआ है। और ये खाएं आपने पहले? ये तो खाते रहता हूँ, बारिश में हम आते हैं इनके पास। अच्छा,
बारिश में तो यहाँ आपको जयभा आपको कम से कम आधा घंटा इंतजार करना पड़ेगा। नहीं यार, ये सब आधा घंटा बोलने कम, सही बता रहा, ये सब भरा हुआ होता है और यकीन करें हम लाइन लगा के खड़े होते हैं बारिश में। बाबर मार्केट के मशहूर कलंदरी पकौड़े गर्मा गर्म हमारे सामने है भाई। चाट का मसाला देखें आप इसके ऊपर, ये जो उन्होंने डाला है ना चटनी में डाल के हम खाएंगे ये पकौड़े। बिस्मिल्लाह। ओए होए, पकौड़े अगर किसी जगह के मशहूर है ना तो वो है इलियासी मस्जिद एबटाबाद के नीचे जो पकौड़े मिलते हैं वो पकौड़े हैं असल। उन पकौड़ों की याद जो है ना आज ताज़ा हो गई, लेकिन वहाँ पे ये चटनी नहीं होती, उनके अलग वो है। काफ़ी सारे मसाले इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, कुटी मिर्च भी नज़र आ रही है, धनिया वगैरह भी इन्होंने इसके अंदर डाला है, वो जो साबुत धनिया होता है। कभी कभी नसीब होता है कराची वालों को ये बादलों बारिशों बूंदाबांदियों का मौसम, मज़ा आ गया भाई। ये मिर्चों वाले पकौड़े के अंदर क्या है, मसाला डाला हुआ है आपने? ये मसाला भरा हुआ है भाई, मसाला भरे मिर्चों वाले पकौड़े। आप मेरे हिसाब से भाई घर लेके जाएंगे ना वो मज़ा नहीं आएगा, वो घर ले आने में ठंडे हो जाएंगे। तो अभी ये गरम गरम बैठ के यहाँ पापर मार्केट के माहौल में पुराने दोस्तों के साथ खाने का जो मज़ा है उसकी बात ही और है। सही बात भाई, वाह। ओके रिजवान भाई, ज़बरदस्त माशाल्लाह भाई, कलंदरी पकौड़े पे आए बिल्कुल बाबर मार्केट के सेंटर में ये फ्रूट वाली रोड पे और पकौड़े इंजॉय करें। और अंकल खैरियत से हैं आप? ठीक है, खजूरें माशाल्लाह, कहाँ की खजूर है ये? ये पाकिस्तानी खजूर है, पंजगोर। पंजगोर की? अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पे क्या मिल रहा है भाई? बिरयानी? कौन सी बिरयानी मिल रही है भाई? चिकन है और शादी है। ओए 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 भाई, गर्मा आ गया मार्केट में? जी भाई जान आ गया मार्केट। क्या हिसाब चल रहा है? गर्मा भाई जान 120 रुपए किलो चला रहे हैं। 120 रुपए किलो नींबू मिल रहे हैं यहाँ पे। ये देखें आप, मूंगफली चने कितने की पैकेट है ये? 30 रुपए का, 30 रुपए का चने की दाल का पैकेट मिर्चों वाले। कब सेट चौसा, क्या हिसाब चल रहा है? 150 रुपए। 150 रुपए 2 किलो के 250। 2 किलो के 250। वाह यार भाई। वो वहाँ से हम चलते चलते आए और काफ़ी आगे तक ये आपको दोनों तरफ फ्रूट्स के सब्जियों के ठेले मिलेंगे। और यहाँ से ये जो रास्ता जा रहा है, इस तरह गलियाँ बनी हुई है पूरी बाबर मार्केट के अंदर, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ तरह की वैरायटीज़ मिलेंगी। तो अंदर भी चलते हैं और चेक करते हैं। ये देखें आप, सारे ग्रोसरीज़, शूज़, गोश्त, ज्वेलरी, बच्चों के आइटम। कैसे हैं अंकल? ठीक है, कैसे हैं आप? है अल्लाह का शुक्र। आप सुने, मैं बोला आप टूर करके आ गए? हाँ टूर करके आ गए, टूर करके आ गए। क्या हाल है? ठीक है आप? खैरियत से, मज़े में भाई? इतनी जो है ना ये भूल भुलैया हैं, पतली पतली गलियां जा रही हैं मार्केट के अंदर, और अगर आपको पता नहीं है रास्ता तो आप जो है ना वो गुम हो जाएंगे, इतनी बड़ी मार्केट है। ये देखें ज्वेलर्स की शॉप शुरू हो गई यहाँ पे, ये बच्चों की मार्केट है। ये देखें एक गली ये जा रही है, बच्चों के कपड़े। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मज़े में? जबरदस्त माशाल्लाह। और सुनाएं? जबरदस्त माशाल्लाह। आज यहाँ का टूर है? जी जी, आज यहाँ का टूर है। ये देखें भाई आप, उरूसी मलबू साथ आ गए यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। ये शादी ब्याह के कपड़े, दुल्हन के, ये सब मिलते हैं यहाँ पे? जी हाँ, ब्राइडल्स। ब्राइडल यार, ये बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ भाई ये। वैसे शरारा है, गरारा है, क्या है ये? शरारा है। क्या हिसाब, कितने का है ये? ये पड़ेगा 6000 का पूरा शरारा। मना मनाया, बहुत ही मुनासिब है यार ये तो। है हमारी बाबर मार्केट में प्राइस मुनासिब ही होते हैं। हाँ यार, क्योंकि मिडिल तबके की मार्केट है, मिडिल तबके की मार्केट है, तो यहाँ रेट भी मुनासिब। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये दुल्हन का ही ब्राइडल है ना ये? और ये जो है टंगा हुआ, ये 10,000 रुपये का? पढ़ने तो सुना यार दुल्हनों के 30-30 हज़ार के, 50-50 लाख लाख, 2-2, 5 तो जितना आप गोल्ड डालोगे उतना मीठा होगा। ऐसे भी होते हैं, जाहिर सी बात है, मार्केट है यहाँ तो हर किस्म का, हर किस्म के होते हैं, लेकिन ये काफ़ी रीजनेबल है यार। क्या हाल है? क्या शरारा है, गरारा है, क्या है ये? शरारा है। शरारा, शरारा। ये कितने का है ये? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये भाई। ये जो बाबर मार्केट है ना, यहाँ पे काफ़ी रीजनेबल प्राइस के अंदर मुझे ये शादी ब्याह के कपड़े नज़र आ रहे हैं। दूसरी मार्केट्स वगैरह में आप जाएंगे, तारिक रोड इधर उधर, तो ऑब्वियसली प्राइस के हिसाब से क्वालिटी में भी फ़र्क होता है, ये बात भी है, लेकिन जिस तरह से महंगाई हो रही है उस हिसाब से शादी ब्याह के अगर आपको अच्छे कपड़े बनाने हैं तो मेरे ख्याल में ये जगह काफ़ी मुनासिब है। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अरे खुश है, ठीक ठाक। क्या बेच रहे हैं, क्या क्या मिल रहा है ये? थालिया है, दाल सोए,
के बिस्कुट है, छालिया है, दाल सोए के। क्या यही रहते हैं आप? लांडी में रहते हैं? वो कायदाबाद, कायदाबाद में रहते हैं। ये देखो भाई, चलते चलते हम पहुँचे यहाँ पे, ये है हड़प्पा चाट हाउस। हड़प्पा चाट हाउस, सलाम अलैकुम, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक। चाट है? चाट कितने की है? चाट 100 रुपए की एक प्लेट। वाह भाई वाह। अच्छा, ये बंद कबाब भी मिल रहा है? ओ हो भाई, गोलगप्पे हैं, चना चाट है, बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक है, जूस है। फी प्लेट 100 रुपए की है हमारे पास। रियाज भाई, क्या इसमें क्या चीज ट्राई करें? छोले की चाट। छोले की एक बार। चलो भाई, एक प्लेट चाट हो गया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बाबर चाट पे आ जाए। बासित, बासित भाई की बाबर चाट। ये चीज चले भाई, 100 रुपए की चाट है ये। ये आ गई भाई बाबर मार्केट की स्पेशल चाट। इतनी आवाजें माना, हमारी चाट यूट्यूब पे आती है। चलो अब मसाले के साथ आए। अब मजा आया भाई जरा। ये पापड़ी आ गई। और गोलगप्पे की प्लेट कितने की है? 100 रुपए। कितने गोलगप्पे आते हैं उसमें? 6। गोलगप्पों पे पापड़ी भी डल रही है जी। गोलगप्पा चाट हो गई है तो फिर हैं? यहाँ ऐसे ही चलती है यार। ये मसाले जो है वो आप लोगों की आदत हो गई होगी अब, जैसे मुझे लग रहा है ना भाई, नाक में मसाले जा रहे हैं। आप लोगों की आदत हो गई ना। हाँ, कितने का है देसी मुर्गा? देसी मुर्गा 1800, 2000, 2500। साइज के हिसाब से? वजन के हिसाब से। ये खाने के लिए, पालने के लिए? पालने के लिए, वजन के हिसाब से बिकता है। अच्छा अच्छा, वजन के हिसाब से बिकता है। 1000 रुपए किलो। 1000 रुपए किलो। भाई ये जो बाबर मार्केट है ना, इसको घूमने के लिए आपको एक पूरा दिन भी शायद कम पड़ जाए। इतनी बड़ी मार्केट है ये, और कराची शहर इतना बड़ा है कि उस एक शहर के अंदर समझो 5-6 शहर बसते हैं। तो ये जो लांडी कोरंगी का पूरा डिस्ट्रिक्ट है ना, ये समझे आप पूरा एक अलग शहर है, एक अलग वाइब है इस पूरे इलाके की। और बहुत ही मिलनसार, बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही प्यारे लोग इस जगह पे रहते हैं। अभी यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं? अभी यहाँ से जाएंगे लांडी नंबर 6 पर, जौक बिरयानी। जौक बिरयानी पर चले। भाई हलीम और बाबर मार्केट में पकौड़े और चाट खाने के बाद पेट में गुंजाइश नहीं थी, तो हमने थोड़ा ब्रेक लिया है। और अब हो चुकी है मगरिब, अब हम आए हैं लांडी की मशहूर ज़माना जौक बिरयानी पे। है भाई, क्या खास बात है इसमें? जौक बिरयानी बहुत ही वाकई जायका इस बिरयानी में, और बहुत मज़ेदार बिरयानी है। चेक करते भाई, आप खाएंगे तो पता चलेगा। चेक करते। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए खैरियत से? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम भाई। 3 डेढ़ पाव दे दो भाई। ये जौक बिरयानी पे रश चल रहा है माशाल्लाह, क्या सीन है ये? ये लोगों की मोहब्बत है और जौक का जायका है। कितना टाइम हो गया जौक को? तकरीबन अल्लाह आपको भला करे 18-19 साल हो गए। अच्छा, तो अच्छा ये है भाई बिरयानी। कितने की बिरयानी है? प्लेट कितने की है? 150 रुपए की है। 150 रुपए एक फिक्स पाव। जबरदस्त बिरयानी भाई, 150 रुपए पाव के हिसाब से बिरयानी चल रही है। तो ये भाई आप कब से खा रहे हैं बिरयानी? 7-8 साल से तो ज्यादा हो गए। किस तरह शुरू किया इन्होंने, क्या सीन है? ये पहले जब मैं शुरू में आता था ज्यादा, तो ये काउंटर होता था और हम साइड में बैठ गए, यहाँ पर चेयर लगी होती थी, हम यहाँ बैठ के खाते थे। अच्छा। फिर इन्होंने शायद ये सेटअप बढ़ाया माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने बरकत दी, तो यहाँ बैठ के खाने लगे। फिर इन्होंने करते करते पूरा सेटअप यहाँ से लेके। ओके, तो वहाँ वो भी है माशाल्लाह, ये भी है, ये भी है, और एक उनका पकवान जो है ना उस साइड पे जहाँ पे बिरयानियाँ बनती हैं, और वहाँ से बन के ये पतीले आते हैं। अभी एक पतीला ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा पतीला जो है वो जाएगा। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? पिक्चर लेनी है? हाँ ले लें यार पिक्चर। मोबाइल लाओ। क्या हो रहा है? सब सेट? मजे में चले? बोल दो चले।
दो पे चले। ये चेंज हो रहा है भाई, पतीला नया पतीला आ गया, मसाला अलग, गोश्त अलग, चावल अलग है यार, बहुत ही आला खुशबू आ रही है, नो डाउट। अच्छा जितनी बोटियाँ आ जाए कुछ हिसाब किताब नहीं है बोटियों का, है हिसाब किताब है? एक पाव में कितनी आती हैं? तीन बोटियाँ आती हैं। तीन बोटियाँ आती हैं, कितनी लेके जाएंगे एक साथ? माशाल्लाह भाई, ज़ौक बिरयानी की जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेरे पास रिकमेंडेशन आती थी कि लांडी आप आएँ और ज़ौक बिरयानी ट्राई करें, वही हमें भी देखने के लिए आए। खुशबू एक तो बहुत अच्छी आ रही है, और एक मैं पिंडी में गया था वो जो बन्नू पुलाव है ना उसके अंदर भी इसी तरह से बोटियाँ डाली हुई होती हैं, लेकिन वो पुलाव होता है, ये बिरयानी है। डिफरेंट तरह का माहौल नज़र आ रहा है यहाँ पे मुझको, जो ट्रेडिशनल बिरयानी है उससे थोड़ी सी हटके बड़ी जूसी सी बिरयानी लग रही है, देखते हैं कैसी है टेस्ट में। ये बारबेक्यू का सीन है यहाँ पे, क्या हाल है? ये चपातियाँ बन रही हैं भाई यहाँ पे, माशाल्लाह। ये देखें, ये भी एक फैमिली हॉल है इनका, ये एक डाइनिंग सेटअप है, यहाँ पे ये बिरयानी है और उसके आगे वो बारबेक्यू वगैरह, और वहाँ पे भी एक एयर कंडीशन डाइनिंग हॉल है। जी भाई, बिरयानी अभी हमारी आने वाली है, ऑर्डर की है हमने 150 रुपये की एक पाव बिरयानी होती है। ये आ गई हमारी बिरयानी स्पेशल, क्या बात है, ज़बरदस्त गर्मा गर्म बिरयानी आई है, ज़बरदस्त भाप वाली। ये देखें आप चावलों की क्वालिटी देखें यार, माशाल्लाह भाई। ज़ौक बिरयानी आ गई है हमारी, साथ में रायता भी आया है और ये जर्दे का पैकेट भी आया है, टेस्ट करते हैं। बड़ी तारीफ़ें सुनी है, भाई ने भी तारीफ़ें की हैं, चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, वाह ज़बरदस्त, डिफरेंट लगा थोड़ा आपको। हाँ यार, ये बिरयानी ज़रा डिफरेंट तरह की बिरयानी है, ये यखनी वाली बिरयानी शायद होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है ना जिस तरह ये यखनी पुलाव होता है उसी तरह से ये समझे मीट की यखनी के अंदर ये बिरयानी बनी हुई है, तो जो ट्रेडिशनल बिरयानी होती है उस बिरयानी से हट के इसका टेस्ट है, लेकिन खुशबू बहुत लाजवाब आ रही है। दूसरे के जो गोश्त का जायका है वो चावलों तक में रच बस गया है बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और रोड पे आप खड़े होते हैं ना तो आपको इस बिरयानी की खुशबू आना शुरू हो जाती है, ये इस बिरयानी की खासियत। हल्का सा इसके अंदर मिर्च भी है, थोड़ा सी स्पाइसी है, वैसी नहीं कि जो है ना वो झार लगे, लेकिन एक जो जायके में थोड़ा सा स्पाइस होता है ना, क्योंकि कराची की बिरयानी है तो थोड़ा स्पाइस ज़रूरी है। बिरयानी में अगर स्पाइस नहीं तो फिर वो बिरयानी क्या? जो तय वाली बिरयानी होती है ना, ये वो बिरयानी नहीं है, ये डिफरेंट तरह की बिरयानी है। जिस तरह की सादी बिरयानी भी होती है जो हमारे घर में भी बनती है, जो सिंपल सी होती है, ये सादी बिरयानी टाइप की है, यखनी में बनी हुई, और इसके अंदर ये खड़े मसाले भी हैं, टमाटर, हरी मिर्च, ये सब मसाले भी हैं, तो बहुत ज़बरदस्त रायता है, लाजवाब। थोड़ा रायता मिक्स करते हैं भाई, थोड़ा सा गोश्त, रायते के बग़ैर भी जो है ना वो इस बिरयानी का जायका लाजवाब है। छोटी सी दुकान से माशाल्लाह पूरी रोड के ऊपर 5-6 इनका दुकानों है और रेस्टोरेंट्स और डाइनिंग का सेटअप हो गया है। लांडी के अंदर और भी बिरयानियां मशहूर हैं और ये ज़ौक बिरयानी उनमें से एक है, नो डाउट। अगर आप लांडी आए हैं तो ये ज़ौक बिरयानी टेस्ट करना लाजमी है। अभी जो है ना वो सही मानों में भूख भी लग गई थी, क्योंकि बाबर मार्केट में घूम घूम के हमारा खाना हलीम चाट वगैरह तो हज़म हो गया था, तो सही टाइम पे हम आ गए। जय भाई, आपके पिक्चर ले सकता हूँ? जी जी ज़रूर ज़रूर, कैसे हैं आप? ठीक है, भाई एक दफ़ा फिर हम पहुँच गए हैं बाबर मार्केट के स्टॉप के ऊपर और यहाँ पर हम खाएँगे लांडी का मशहूर पान, क्योंकि अख्तितम तो पान के ऊपर होना चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है भाई, हमें भाई लेकर आए कि भाई ये पान बहुत मशहूर है आपका। अच्छा अच्छा, क्या नाम है दुकान का? नासिर पान शॉप है। नासिर पान शॉप माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बराबर में एक रेस्टोरेंट के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त बन कबाब भी बन रहा है और इसी के बराबर में ये नासिर पान शॉप है। मीठा पान एक अच्छा सा लगा दें हमें, ये लगा रहे हैं शायद भाई। बहुत तरह तरह के लवाजमात डाले गए भाई पान के अंदर, ज़बरदस्त।
भाई शाहिद भाई का पान इतना बड़ा था कि मैं बड़ी मुश्किलों से बोलने के काबिल हुआ हूँ। पान नो डाउट बहुत लाजवाब है, लेकिन इतना बड़ा पान था कि दो बंदे उसको खाएं, 60 रुपए का पान आधा आधा करके खाएं। बहरहाल आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं भाई। रियाज भाई जी भाई, पान खा के वाकई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई। और भाई ने आज टाइम दिया, इनका मोहल्ला था, इनका चैनल है खते मरियम के नाम से। इसके अलावा ये जो है ना, इनका एक वुड प्लानर के नाम से फेसबुक पेज भी है, जिसपे ये लकड़ी की भी बड़ी मज़ेदार चीज़ें बनाते हैं। तो इनको ज़रा फॉलो करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और खताती करानी हो, आर्टिस्टिक चीज़ें बनवानी हो, खते मरियम को ज़रूर ज्वाइन करें, तो इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और आज की वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। फिर चलें। चलें।